मॉम्स फूड डायरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें रेसिपी की। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत और इस्तकबाल है मॉम्स फूड डायरी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ लौकी, यानी कि जिसको कद्दू भी बोलते हैं, उसकी दाल। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आसान तरीके से बन जाती है लौकी यानी कि कद्दू की दाल बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए हमको लगेंगे 150 ग्राम तूर दाल लगेंगे। यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर काट के रखे हैं, हमने अदरक लहसुन को क्रश कर रखा है। यहाँ पे टमाटर 3 से 4, प्याज 2, यहाँ पे हरा धनिया, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च काट कर रखे, नमक भी है। और ये कद्दू हमको लगा है, तकरीबन हमने 500 ग्राम कद्दू काट के रखा है। यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगी, इसको पॉज करके देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं। हमने एक कुकर लिया है, कुकर में हम क्या करेंगे, जो हमारी तूर दाल है उसमें ऐड कर लेंगे और उसमें पानी डाल लेंगे, 1 गिलास पानी। और इसी में हम क्या कर लेंगे, जो हमारी कटी हुई हरी मिर्च है, कटा हुआ हरा धनिया और जो टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन आप क्या कर सकते हैं, लहसुन को रख के सिर्फ अदरक डालिए इसमें, क्योंकि लहसुन हम तड़के के टाइम पे डालेंगे। यहाँ पे हमने हरी मिर्च कटी हुई डाल दी और यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया हमें डालेंगे अभी इसमें। हमको यहाँ पे पूरा दाल जो है पकानी है हमारी, तो यहाँ पे हमने अभी हरा धनिया ऐड कर लिया, उसमें हम प्याज डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे अदरक का पेस्ट जो है वो डाल के, हल्दी डाल के हमको 5 से 6 सीटियाँ आने तक इसको कुकर में पकाना है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सी आसान दाल है, साथ साथ इसमें कद्दू जो होता है तो कद्दू से उसका बहुत ही टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये सिंपल लजीज दाल की रेसिपी है, कद्दू वाली दाल यानी कि लौकी की दाल है ये। हम ये सब चीज़ें कुकर में ऐड करने के बाद इसको 5 से 6 सीटियाँ आने तक पका लेंगे। और देखिए हमारी हो चुकी है, हमने नीचे उतार लिया है, हमारी दाल पक चुकी है। हम दूसरी तरफ क्या करेंगे, एक पतीला गरम करेंगे और 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे उसमें बड़ी आँच पे। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। हम यहाँ पे डालेंगे कुछ 1 स्पून जो है हमारी राई होती है, जिसके सरसों बोलते हैं इसको, वो डालेंगे हम। और साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम 1 स्पून जीरा। अभी हम इसको तड़का लगाएंगे इस दाल को। हमने जीरा ऐड कर लिया और कुछ कड़ी पत्ते के पत्ते हम यूज़ करेंगे इसमें, ये देखिए हमने ऐड कर लिए हैं। और जो हमारा लहसुन है, हमने क्रश कर रखा है लहसुन को, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे अभी। और जो पूरा जो कुकर का कंटेंट है, हमने जो कुकर में पूरा दाल का मिक्सचर बना रखा है, वो इस पतीले में ऐड कर लेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमको। हमने यहाँ पे थोड़ा इसको घुमाएंगे, ये तड़का हमारा जो है बन रहा है, इसमें हम कुकर का पूरा कंटेंट डाल लेंगे और उसको पूरा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि हर एक चीज़ मिक्स हो जाए इसमें। ये हमारी तड़के वाली दाल बन रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस उस पतीले का पूरा कंटेंट जो है कुकर में डालेंगे और उसको थोड़ा पानी ऐड करेंगे, जितने हिसाब से आपको दाल चाहिए। ऐड करने के बाद उसमें नमक डालेंगे और जो हमारी सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है कद्दू यानी कि लौकी। लौकी हमने काट कर बारीक पीसेस कर लिए हैं, मतलब इतने छोटे पीसेस कर लिए हैं। तब इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे और उसको बॉईल करेंगे। 2 मिनट में ये बॉईल होना शुरू कर देगी, उसके बाद और 2 मिनट पकाएंगे। ये हमारी दाल बिल्कुल ही लजीज, मज़ेदार, सिंपल सी आसान रेसिपी है ये, कद्दू की दाल यानी कि लौकी की दाल है ये। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत चावल के साथ और रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। इस रेसिपी को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए